इन्हां बीबियां दी तड़ा प्यो तालीम करेंदे हो सन जदा बीबियां जवान हुई हो सन नहीं मैनू कुरान दी कसम इंज नहीं जदो इन्हां बीबियां टुरना सिखिया इन्हां पहला कदम चाहे इन्हां दे प्योआं तू कुर्सियां छुट गईयां हो गई है तवज्जो मैं नौकरा सरकार जदा इन्हां बीबियां टुरना सिखिया इन्हां पहला कदम चाहे इन्हां दे प्योआं ने कुर्सियां छोड़ दित्तियां बीबियां दसां चा दू बीबियां विच जग दुनिया दे ते तालीम निराली थई प्यो उठी के इस्तकबाल करन हाए कुल दुनिया को दसां बीबियां दसां एक बीबी हाथ पासे ते रख के इस दुनिया तो टुर गई है दूजी नौ घंटे दरबार दे विच वो हैरान खलोती रही है मैं सबके जावां जी बाबा मैं नौकरा सरदार अगर मुआफ करो ते इससे बीबी दा दूजा बंद ना तो सुनावा नादे हुसैन एक बीबी हाथ पासे ते रख के इस दुनिया तो टुर गई है ओ दूजी नौ घंटे दरबार दे विच वो हैरान खलोती न्यादे हुसैन गादी दा वास्ते इसे बीबी दा दुआ बंद सुन कब्र तक रोण वास्ते जय मस्तूर दे चेहरे दा वाकफ सिर्फ कुराने खड़ी नौ घंटे दरबार दे विच वो बीबी सर उरिया उरिया कितनाई ते मेरे लेके मलहून शराबी सर चाहे वो की तक क्यामत से जेलाने केड़ा लानो केड़ी ये जैनब जेड़ी वीर तो वध के मेरे हुक्म दीना फरमाने आज मैंने हुक्म दिता ने कि तू सानू दो जुमले सरकार इमाम हुसैन बादशाह दे चेलम दे सुना चेलम सरकार इमाम हुसैन बादशाह दा मैं क्या पढ़ा चेलम असी भी करने जिसले साडा कोई मर जाए लेकिन साडे चेलम और बतूल दे पुत्र दे चेलम विच फर्क है जिसले असी चेलम करने मरण वाले रिश्तेदार तारीख चेलम उत्ते दूर नज़दीक तो आंदे बसा ते आए जहाजा ते आए मोटरां ते आए कारां ते आए टांगियां ते आए घोड़ियां ते आए इज्जत नाल आए शाम चेलम करके इज्जत नाल घरां तो टुर गए मैं कुर्बान जावा हुसैन तेरे चेलम तू जांदे चेलम ते भैण आईयां ते शाम चुरिहा होके आईयां ये ना उस सियालकोट वाले एक पुत्र आया शाम चुरिहा हो तुसा बंदे रे आउंदे कदी नहीं वेखे वेख रहे हो जड़े वेले को कह दी रहा हो तारीख रे आई दा प्यो नू पता लगे प्यो जिंदा हो सवेर दा जेल दा बुआ मल के बैठा है उसी इन्हें गल ना चाचे बाबे संगती साथी दो सज्जन जेल दे दरवाजे चो सर साजी मैं अपनी अखी नाल वेखिया मैनू कुरान दी कसम है भावे कितने पर्देदार घराने दा कैदी होवे जेल ते बुए ते भैणा आईयां होंदियां
लेकिन मैं कुर्बान जावा जड़ वेले सज्जा जेल के दरवाजे ते आया है सज्जन इच्छा कुछ नजर नहीं आया खब्बे इच्छा कुछ नजर नहीं आया अड़िया चाह के सामने इच्छा कुछ नजर नहीं आया पासे नु बीबी जान दी आवाज आनी राह वे दे केड़ा रह गया ही हो गई ये मजलिस मकसद मेरा पूरा हो गया है आवाज़ नहीं फूफी बजा फरमाएं मेरा कोई नहीं रह गया मगर एक सज्जन मेरा ही था ये केड़ा सकीना मैं भैन की कबर ते वैना जुल जेल खाने चो निकला सीधा सकीना की कबर ते आया कबर नु आके बीबियां घेरा पाया है मातम शुरू हो गया है पुआ दी वाले पास सज्जा आदा खलोते इवें कबर तो मुखातब होकर फरमाएं सकीना सकीना भैन हौले हौले कबर हल्ली आवाज आंदी जीवे उजड़ा वीर हाय हाय आवाज आंदी सकीना मैं तेरे एहसान नहीं लहा सकिया हौले हौले कबर हल्ली आवाज आंदी है वे वीर मैं तो एहसान कीता ही कोई नहीं ते तू मेरा मशकूर होना आवाज आंदी नहीं सकीना तू मेरे ते बड़े एहसान कीते आवाज आ ये भला एक तो दस मैं केड़ा एहसान कीता थक गए यार तुसी एक तो दस मैं केड़ा एहसान कीता है आवाज नहीं सुन जद ऐसा करबला है चुका है दो कि शाम आया है रह दो त्रै त्रै चार चार दिन मुसलमान पानी नहन दें त्रीजे चौथे दिन जद ही पानी मिलता ही असी पानी बच्चे ही तकसीम कर दे आसे हर बच्चा अपने हिस्से का पानी पींदा ही तू हिस्से का पानी ना वे पींद ले आके मेरे जंजीरा ते छनका थक गया थक गया थक गया तू पानी ना वे पींदी मेरे जंजीर ठंडे करे दिया वे सकीना तू निके निके थर मेरे कंडे कर दी रही है जड़ी जगह तू लहू फुड़दाई चुन के आदिया में वे वीर इत्था तो भैन मजबूर ही हाय 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 जे तेरिया कैदा छुट्टियां मैं तेरा वतन इलाज करा ऐसा सकीना मैं वतन प्या वैना कोई पैगाम नहीं था दे मासूम दी कब्र हल्ली आवाज नहीं है वे वीर वतन जो वैना करबला ना वैसे बाबे दा चेलम ना करे से आवाज़ नहीं जरूर करे साक पहले करबला वैसा आवाज़ नहीं अगर करबला जावे ते चाचे गादी अब्बास नू मेरा एक पैगाम देवे केड़ा पैगाम चाचे गादी नू आखे सकीना धी पिया दिया वी ते कुम्मे मिल सा जड़ा माशर विच ते आसे प्यो मेरे दे नाले मैं जाके लाशा सरदा ते डकर सा इस तक बाले तुर पे आए खत्म कर दिता मैं पढ़ लिया जो कुछ पढ़ना आई सफर करें दा आए करबला दी जागीर दे बनने ते आखल होता है किबला में बस भट्टी जगह ते फरमाए दे होंदे आन अकबर दी जागीर दे बनने ते आखल होता है ए सोना जुमला हुसैन अलैहि सलाम दी कबर तो एक बंदा उठे आए कमर झुकी हुई है अखी कमजोर सोटे दी टेक ना टुरे आंदा है जनाब सज्जाद दे सामने आके सोटे नाल जमीन ते लीक मारी इने लीक मार के आदा महारी इस लीक दे अगे पैर ना रखे अगे जन्नत ही सज्जाद फरमाए ते तू कौन है आवाज आई पहले तो मेरा नाम जाबिर आई हूं मैं रिजवान है जन्नत आ सही फरमाए है रिजवान है जन्नत ते मैं जन्नत च ना वा मैनू रोक ना ए हाथ बन के आदा मैं नहीं रोकिया इस जन्नत वाली दा हुक्म है जेड़ा सवार आवे थो पैदल गुजरे ते नल बीबियां सवार न लहा पैदल गुजर अगर नहीं टुर सकदियां ते ना उम्मीद दा वल्ला उतो मार जाओ इस जो ना उम्मीद आख्या बीबी जानम दी मामले चो कूक आई है शाम विच भी ना उम्मीद थक नहीं थक नहीं ते अज फिरावां दी जागीर विच भी ना उम्मीद सज्जाद दे कोलो पुछता सही जिदा हुक्म सुनाया सुए दा ना की है जाबर दी आवाज आंदी उंदा नाम है गासी अब्बास हाय मोरी मामल तो बीबी जानम दी आवाज आई ते मेनू गरीब समझे मैं ओ अज से दरवाजे उत्ते गादी जब बंदे सारी सारी रात खलोते रहंदे जाबर त्रै कदम हटिया है हैरान हो के वेख क्या दे तेरे बुए उते मेरा गादी पीर खलोवे तू कोई ज़ैनब है आवाज़ आई है मैं उम्मुल मसाइबा
मैं उम्मल मसाहिबा हैरान हो क्या दे जिंदगी च पहली बार किसी बीबी का नाम उम्मल मसाहिब सुनया। अब आदा ये बेशक अपने सरदार तो जाके पूछ लाए मैं उम्मल मसाहिबा ते मेरे दूत अब्बास जब बंदे सारी सारी रात खलोते रहते हैं त्रै कदम हटे आए हाथ बन क्या दे उम्मल मसाहिब बीबी इतना ही खलोती मैं अपने सरदार तो पूछा दौड़दा आया जनाब अब्बास की कबर ते दोवें हथ रखे हथ रख के आदा मौला त्राए मामल उन्ना दे गरीब जिया महारी है उस मारी दे कपड़े पाटे हैं अखी तो रत रोंदा है उस महारी दरल की बीवी है सवार है वो आदी अब्बास मेरे पारे देंदा रहे है अब्बास की कबर आदि चो फट गई है अब आदि यो जाबर उस बीवी दा ना पूछे है मालो बीबी आदि ये मेरा नाम उम्मल मसाहिब है अब्बास ये वान यो जाबर भजदा जा ते जा कुस बीबी ने आख अब्बास पे आदा ही तेरा पे का नाम ता ज़ैनब और मैं क्या पढ़ा मसाहिब कितों लाया तेरे बाण वास्ते मैं सब के इमे जाबर टुरे आए अब्बास की आवाज नहीं खड़ा हो कि मेरी गल सुनी जा मौला हुकम आराम नाल ना जावे हौली हौली ना जावे त्रिखा जावे भाईदा जावे मता तेरे जावन तो पहले बीबी ज़ैनब लह पवे आज अगर ज़ैनब मेरे हुकम ना लह पई क़यामत वाले दिन अम्मा मेनू मथे नहीं लावना त्रिखा जा ते जा के साइन वा खब्बा साते उठतो ना लाए उठते चढ़ के आ बल्कि अपना उठ मेरी कबर दे उत्तो टपा पैगाम सुन के जाबर दौड़िया दौड़दा है अच्छा जाबरा खलोता है मुंह बोलिया नहीं जे मामले विच आवाज आई ये कमजोर समझ के रोक दिताई हाथ बांध के आदा नहीं साइन कमजोर नहीं समझिया मैं माफी मंगना अब्बास आदे उठ तो ना लाए उठते चढ़ के आ बल्कि अपना उठ मेरी कबर तो उत्तर टपा पैगाम सुन के बीबी जान दी आवाज सज्जा उठा नु बहा मला धिया अज मेरे वीर दे हुक्म पचा दे मैं क्यों ना मन्ना मला धिया जहरा दियां धियां लठियां ने सियालकोट दे इलाके दे सीओ जिसले कोई उबाल नहीं साई जिसले उठ बैठे ना आली जा मोहम्मद जिसल उठ बैठे ना उठा बान लगे एक दुए दे मुंह नाल मुंह मिलाए बीबी जान पूछे सज्जाद हैवान आपस च को गल्ला कर देन इमाम हक ने मेनू दस ना क्या दन फूफी क्या दस साइक बहन वा दन आराम नाल बवे आए ज़ैनब थक पई है ज़हरा दी धियां लै पीन आखरी मेरा जुमला खत्म कर लगा लह पईन सब तो पहले जनाब ज़ैनब आली अब्बास की कब्र ते आई है सात कदम दूर वे जनता ना वाली वीरों कैदर भैन दा सलाम होवी वे करबला दा हुक्मरान वीरों ज़ैनब भैन दा सलाम होवी अब्बास की कब्र कंबी है आवाज़ ये मैं माफी मंगना मेरे नौकर तुहानू रोकिया हाय बीबी ज़ैनब फरमाए दी तेरे नौकर ता रोकिया पर पता ही आज मैं क्यों आई हां आवाज़ क्यों आयो ज़ैनब फरमाए दी सिर्फ इस वास्ते आई हां तेरी लाश ते कहना ही रोवण दिता